कोई कॉमन फ्रेंड या कोई तुम्हारी फेवरेट प्लेस जहां वो जा सकती है? नहीं ऐसे। पल्लवी का आईपैड, उसमें उसकी फोन की लोकेशन पता लग सकती है। आकाश भैया, पल्लवी को लेकर ही लौटना। जी मैम, जी वो कर लिया था मैंने पूरा कंप्लीट, भिजवा दिया आपको लोकल कुरियर से। जी ओके ओके। ये क्या, ये नाश्ता अभी तक टेबल पर है, मतलब खाया नहीं अभी तक किसी ने। वो मम्मी जी राकेश, राकेश का वेट कर रही हूँ, वो आया नहीं ना अब तक। क्या, राकेश आया नहीं अभी तक? नहीं, और उन दोनों का कॉल भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, तन्वी तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? अगर ये बात है तो फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा ना, यहाँ घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, मतलब मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी ना तन्वी। राकेश, राकेश, राकेश कहाँ कहाँ थे तुम? तुम्हारा कब से कॉल रहा करी थी, ना तुम्हारा फोन लग रहा था ना जानवी का लग रहा था, तुम्हें पता भी क्या क्या हुआ वहां पल्लो ने ना। तुम ये शर्ट तो नहीं पहन के गए थे? लिपस्टिक। राकेश कल रात को हम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। तनु वो। तन्वी तुम्हें अकल कब आएगी? अरे तुम्हें शर्ट की पड़ी है, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा पानी वानी पूछो, कुछ खाने पीने के लिए दो, पर नहीं शर्ट की चिंता हो रही है तुम्हें, कमाल है। एक्चुअली कल रात रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और बेचारा राकेश सारी रात लगा रहा उसे ठीक करने में, इसी में ये शर्ट भी खराब हो गई। ओह राकेश तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मम्मी जी आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ ओके। और राकेश हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम आदमी हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारी उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। धूप के जैसे सच्ची हो, छांव के जैसे अच्छी हो, गलत तुम्हें मैं समझता था, सही हमेशा करती हो। डांट लो पर बात करो, मैं इस गधे जैसे पति को प्लीज मेरी जान माफ करो। I'm sorry, baby, I'm really very sorry. Clarification ही दूंगी कि जो मैंने किया है वो गलत ही नहीं, बहुत गलत है। बस trust me, मेरा विश्वास तुम पे था, लेकिन उसने जब भैया को ऐसी हालत में देखा ना तो जैसे जैसे कंट्रोल में ही नहीं रह गया, सारा का सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। उससे मैं वो सब कह दिया जो कभी नहीं कहना चाहिए था, शायद
शायद अपने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया था। एक बारी तुम्हारी बात सुनी भी नहीं कि कितनी गहरी बात कहना चाहती हो। ना मैं ना मेरे परिवार में से कोई तुम्हें समझ पाया ना जान पाया कि तुम हमारे परिवार को तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती हो। और परिवार को जोड़ने के लिए तुम टूटती रही लेकिन उफ तक नहीं किया। हम सबने तुम्हें कितना सुनाया, कितने इल्जाम लगाए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुई पल्लवी। कि मेरी पल्लवी को पता था कि वो जो कर रही हो उसमें सबकी भलाई है, कैसे कर लेती हो यार। क्या हस्बैंड तुम्हारा आकाश इस प्राउड ऑफ यू बेबी, नॉट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। सॉरी पल्लवी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके ठीक है, शिवरात्रि की सारी पूजा की तैयारी पल्लवी ही करेगी। ठीक है तो चलिए अब हम चलते हैं। ये तो पीठ में खंजर मार दिया आपने दीदी, ये आपने सही नहीं किया, लेकिन ठीक है, जो गलती आपने की है मैं उसे सुधारूंगी। मैं लाऊंगी लाइन में सबको, आपको भी और आपकी इस बहू को भी। ये कल के टेस्ट में पास नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। पल्लवी अलार्म से पहले उठ गई। हो गया तुम्हारा रोमांस, तो आप पूजा की तैयारी करें। पंडित जी ने कहा था कि 10 बजे से पहले पूजा कंप्लीट करनी है, और तुमने यहाँ लगा दिया मुझे। कितनी तैयारी बाकी है पता है? क्या बात है, इतनी एक्साइटमेंट। हाँ तो महाशिवरात्रि की पहली पूजा है मेरी इस घर में, एक्साइटमेंट तो होगी ना, और तैयारी भी करनी है पूरी, सारी अरेंजमेंट मुझे अकेले करनी पड़ेगी। अरे डोंट वरी, सब हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। होना साथ हमेशा। चलो अब मुझे तैयारी करने दो, बाय। बड़ी खुश लग रही हैं आप? हाँ कुसुम, अच्छा तो जरूर लग रहा है। आकाश खुश है, चाहे जो भी हो अच्छे से मेहनत कर रही है पल्लवी। शिव जी ऐसे ही आपकी और आकाश की खुशी को बरकरार रखे। मगर और सिर्फ 5 दिन आप ऐसे खुश रह पाएंगे ना? 5 दिन बाद आकाश पल्लवी के घर का जमाई बन के घूमेगा, चले जाएंगे दोनों शर्मा जी के घर, आपका बेटा भी और आपकी बहू भी। पल्लवी हाँ ये हाँ। ये रही, तुम्हारे हाथों से शुरुआत करते हैं। ये गंगाजल है, सामग्री पे छिड़क दो। पल्लवी वो लोटा बाएं हाथ में लेके दाएं हाथ से। सॉरी सॉरी। बड़ी इतरा रही है कि सब इसकी साइड आ गए, लेकिन इसे पता नहीं है कि तलवार की धार पर चल रही है ये। जरा सी सावधानी हटी पल्लू की नाक कटी। कुछ देर का ही खेल है पल्लवी, फिर तो सब बिगड़ने वाला है तुम्हारे लिए। मैं आती हूँ एक मिनट। सच कहूं मजा तो हर बार भी आता था, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि की फील ही अलग है। इस बार सब साथ में काम कर रहे हैं ना, साथ में काम करने से फील वैसे ही बदल जाता है। करेक्ट। अच्छा मैं प्रसाद बना लेती हूँ,
बाकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। हाँ, ये मुझे दे दो। पल्लवी बेटा, प्रसाद 10 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग आ जाएंगे तब तक। हो जाएगा ना प्रसाद तैयार? जी पापा जी, सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भैया, डिश विश की तैयारी करनी है। चलो चलो चलो। सुनो ना, 12 बजे तक होटल भी पहुंचना है। बड़े इंडस्ट्रियल के घर की शादी है, सारे पॉलिटिशियंस क्रिकेटर सब होंगे वहाँ पे, कैसे करेंगे मैंने? सब हो जाएगा आकाश, डोंट वरी। परफेक्ट। चलो मैं प्रसाद बना लेती हूँ। आई गेस इसी तो कहते हैं गुड कर्मा। थैंक यू भोले बाबा। सारी तैयारी हो चुकी है, बस प्रसाद बनाना बचा। फ्रूट्स भी आ गए, अब जल्दी से प्रसाद रेडी कर लेती हूँ। ये क्या? इस पे तो कीड़े लग गए। ये भी खराब हो गया। ये भी सड़ गए। हे भगवान, फ्रूट्स तो सारे खराब हो गए, अब प्रसाद कैसे बनाऊंगी? आकाश, ये देखो ना, ये सारे के सारे फ्रूट्स खराब हो गए हैं, प्रसाद कैसे बनाऊंगी? इट इज पॉसिबल, कल ही तो फ्रेश फ्रूट्स मंगवाए थे। एग्जैक्टली, अब प्रसाद कैसे बनेगा? 10 बजने में भी बहुत कम टाइम बचा है, क्या करेंगे हम? अब तुम्हारी सीटी बच गई पल्लवी। ये सारे फूल खराब हो जाएंगे, फिर देखती हूँ पूजा के लिए कैसे पल्लवी कुछ भी बनाती है। 9:15 तो बच गए, अब देखती हूँ तो ये राउंड कैसे जीतती है। 45 मिनट में तुम क्या बना लोगी? मेरे पास सिर्फ 45 मिनट है। अगर 10 बजे की आरती से पहले मैं प्रसाद नहीं बना सकी तो सबके सामने अमस्ती फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.